अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी आज क्या पक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज हम वाइट कोफ्तों का कौरमा बना रहे हैं, सही। वाइट बना रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या चाहिए? इसमें हमें ये कीमे के लिए ये चीज़ें, ये तो मसाले के लिए है सब चीज़ें, ये पहले स्पाइसेस हैं सारे स्पाइसेस हैं सारे। जी। एक चम्मच धनिया है, धनिया है कुटा हुआ, टू टू टीस्पून टू धनिया। टी स्पून धनिया है कुटा हुआ घर में, एक टीस्पून नमक है, ये फूल हैं बादियान बादियां के के, फूल हैं, ये तीन चार इलायची हैं, बादियान के तीन फूल ले चार लें। बादियां के फूल हैं, ये 10-12 इलायचियां हैं, ये दो दालचीनी के लकड़ी हैं, स्टिक्स हैं, स्टिक्स हैं, ये काली मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर है, दस ब्लैक बारह पेपर हैं 10-12, ये गरम मसाला है एक सही, टीस्पून, 1 टीस्पून गरम वन टीस्पून मसाला, गरम मसाला, ये व्हाइट ये दखनी, व्हाइट दखनी मिर्चें हैं, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरे का पाउडर है जी, जीरे का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला जायफल जावित्री है, जायफल जायफल जावित्री कितनी है? एक 1 टीस्पून। टीस्पून, अच्छा, और ये ये धनिया लहसुन दो अदरक का पाउडर, पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है कितना? हाँ वन एक वन टेबल टेबल स्पून स्पून, ये 1 टेबल स्पून, दोनों ये चीज़ें, दस वन वन टेबल पंद्रह स्पून बादाम है, ये 15 बादाम है, 15 10 15, आप इनको जी आधा कर लें बीच में से, इस तरीके से जैसे ये है, ये बीच में से आधा आधा कर लें। और ये तो हो गए कौरमे का, क्योड़ा है, क्योड़ा एसेंस है, ये और 3 प्याजें पिसी हुई हैं, ये 3 प्याजे हैं जिसको ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, ये दूध है 1 लीटर, मिल्क है इसमें जाएगा 1 लीटर, आप रख लें 1 लीटर, अब देख के डाल लें कितनी ग्रेवी करनी है। ये दही है, योगर्ट है, योगर्ट के 4 चमचे जाएंगे, टेबल स्पून, और ये आ जाता है सारा सामान आपके कौरमे का। और बाकी कीमे के लिए, कोफ्तों के लिए अम्मी ने लिया 1 किलो 1/2 किलो कीमा है, जी। और और ये स्पाइसेस में क्या है? स्पाइसेस हैं, ये कुटा हुआ धनिया है एक वन टी टीस्पून 1 टीस्पून, ये नमक है जी, 1 टीस्पून 1 टीस्पून, ये प्याज है एक छोटी सी प्याज है एक, कटी हुई, और ये अदरक और लहसुन 10-12 कलियाँ, 8-10 कलियाँ हैं, आठ जी है, आप एक सात एक आठ, चमचा ले लें बस, एक एक लहसुन चमचा अदरक लेना, का और इस ये हिसाब वाइट से पेपर डालें, है, ये जीरा है, जीरा भी 1 टीस्पून वन है टी और स्पून हाफ है, टी स्पून वाइट पेपर है। तो फिर ये कीमे पहले में डाल के पीसने के बाद चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमा डालते हैं मशीन में, ये कोफ्तों के लिए आप कर रही कोफ्तों हैं, के लिए, अब ये मसाला इसमें जाएगा, तो सारी चीज़ें जो कोफ्तों की थी, लहसुन अदरक प्याज है, जीरा है, कुटा हुआ धनिया है और दखनी मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं, 2 सर्विंग स्पून आप इसमें ऑयल के डाल दें, और ये जो हमने प्याज को ग्राइंड किया था वो डाल देते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया, ज़रा सा हल्का पिंक करना है, पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, बस ज़रा सा इसको फ्राई करके फिर मैं बताती हूँ आपको। बस हो गया थोड़ा सा, इसको बस इंग्लिश करना था, अब हम ये सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं, ये देखिए सही, बिस्मिल्लाह, लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लहसुन है, गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर, दोनों की पेस्ट है, इसको कितनी देर फ्राई करना है? बस इसको भी थोड़ी सी देर फ्राई करते हैं, फिर कोफ्ते डाल देंगे ना, कोफ्तों का पानी फिर भुनेगा, फिर भून सही है, बस आपको खुशबू आने, बस जैसे खुशबू आ आ रही जाए है हमें थोड़ी इसकी, सी, हमें खुशबू आ रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी, वो इलायची की, बादियान के फूल की और सिनेमन स्टिक की, जीरे की, तो फिर आप अब कोफ्ते डाल दें तो कोफ्तों का पानी भी होगा ना, कोफ्ते सही डालेंगे है ना, सही है, मसालों की खुशबू आने लगे फिर आप सारे उसमें कोफ्ते लगा दें लेयर,
कोफ्ते डाल के चमचा चमचा नहीं चलाइएगा, बस ये कोशिश कीजिएगा। अब दही डालते हैं। ये आधा किलो में अम्मी कितने कोफ्ते बने? 11 कोफ्ते बने हमारे। ये डिपेंड करता है आप किस साइज के बने। साइज छोटे होंगे तो 15 भी बन जाएंगे। चार चम्मच दही, 4 टेबल स्पून हमने इसमें योगर्ट डाल दिया। बस अब इसको ऐसे ही ढक देते हैं, थोड़े से कोफ्ते बन पकेंगे तो फिर चम्मच चलेगा। अब हमें कह रही है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना आपने, बस इसके ऊपर इसको कवर कर देते हैं, इसके ऊपर लट ढक के। अब बस इसको छोड़ देते हैं हमें कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। दस मिनट के लिए हल्की आँच पे, ज़्यादा तेज़ आँच ना हो क्योंकि पानी तो है नहीं इसमें, तो इसकी फ्लेम जो है हम स्लो कर देते हैं। चलाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, कोफ्ते भी पक्के हो गए थे। 10 मिनट आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखना है क्योंकि इसमें पानी देखे नहीं। कोफ्ते माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, कोफ्ते को अच्छी तरीके से आप जरा इसको भून लें, भून लेंगे तो बस फिर खुशबू देखें इतनी अच्छी अभी आ रही है। अच्छा, थोड़े से बादाम भी डाल देते हैं ताकि आधे बादाम आप अभी डाल दें। हाँ आधे डाल दीजिए, आधे आप डाल दीजिए। अंगूर बनाए गए बहुत मज़े के, खुशबू अभी से बहुत मज़े की आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार जरूर बना के लेते हैं, वाइट फॉर्मा पसंद आएगा आपको, जरूर इंजॉय करेंगे औरतों का। अब इसमें डालते हैं दूध। दूध अम्मी आपने तो 1 किलो 1 लीटर लिया है ना, अब इसमें कितना डालना है? आधा डालेंगे, आधा ग्रेवी रखना है बस, जितने आपने ग्रेवी रखनी है ना। अगर आपने इसको ज़्यादा शोरबे वाला रखना है तो ज़्यादा दूध डलेगा क्योंकि पानी नहीं डालना, और अगर भुनावा है तो कम दूध डलेगा। ये केवड़ा, केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून डाल दिया मैंने। केवड़ा डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 5-10 मिनट इसको आप बस ढक के हल्की आँच पे फिर इसको दिखाती हूँ मैं 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, शक्ल भी बहुत प्यारी है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक दफ़ा ज़रूर हमारे तरीक़े पर पका के देखें इसको, ताफ्तान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या शीरमाल के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे मज़ेदार पाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके आपको बताते हैं। देखें डिश आउट कर लिया है हमने, माशाल्लाह कितनी अच्छी खूबसूरत है शक्ल है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तैयार हो गया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मज़ेदार होगा भी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें, अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। हम आपको दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको दीनों दुनिया की राहतें और आफियतें अता करें, और आप हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ज़रूर आप इसका बताइएगा कि आपको कैसे लगे कोफ्ते और कौरमा कोफ्ते। तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे आप किसी नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।